और ऐसे एक भी मशीन नहीं की मतलब और कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा मशीन यहाँ पे और काम भी चल रहा है। तो शायद मुझे लगता है भुवनेश्वर का सबसे बड़ा क्लब रहेगा है, वो जो आएगा आपका तो बॉडी बना सके। हाँ डेफिनेटली बना सकते थे, क्यों नहीं, लेकिन बॉडी के लिए उसको खाना भी पड़ेगा उसमें, तो क्योंकि बॉडी पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा और रेस्ट, इन तीन चीज़ों पर बॉडी बनता है। अभी हम सब लोगों ने आपके लिए जिम तो बनाया, यहाँ पे आना आपका काम है और उसके बाद खाना खाना भी आपका काम है। यहाँ पे गाइडेंस तो अच्छा मिलेगा ही क्योंकि इक्विपमेंट्स तो ऐसी कंपनी का मैं एम्बेसडर हूँ, क्योंकि कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो गई नहीं क्योंकि इंजरी लेस इक्विपमेंट्स है, जैसे कि आपको किसी असिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे कोई आता है एक्सरसाइज करने के लिए बंदा, तो डेफिनेटली ये कैन बी अ वेरी गुड फिटनेस पर्सन। सर यहाँ पर जो जिम करने के लिए आएंगे उनके लिए क्या क्या सुविधा ज़्यादातर रहेगा थोड़ा? सुविधा जैसे कि सुविधा तो सब दी हुई है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, यानी जितने भी सारी मशीन्स है अराउंड 50 मशीन्स हैं यहाँ पे लगाए हुई, मैंने आज तक अराउंड 50 जिम के ओपनिंग किए रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा स्टेशन ही जिम में देखे मैंने, क्योंकि जगह भी इतनी ज़्यादा है। देन कार्डियो सेक्शन है, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हो कार्डियो और स्ट्रेंथ दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। देन बहुत सारा प्राइवेट सेक्शन है, डंबल्स भी सबसे बड़े डंबल्स हैं यहाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ऑल जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब है, और इनके साथ इन्हें एक ग्रुपेस का स्टूडियो भी निकला है जहाँ पे आप जुम्बा एरोबिक और बाकी सब चीज़ जो रहती है एक्टिविटीज डांस वगैरह वो भी एक अलग से लगा है, तो इट्स लाइक अ कंप्लीट हेल्थ सब। यंग जनरेशन के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा? हाँ फ़ायदेमंद तो 100% होगा, एक तो मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं, अगर वो मुझे देख के अगर जिम ज्वाइन करते हैं, जिम ज्वाइन करना उनका सिर्फ काम है, बाकी यहाँ पे उनको सिखाने के लिए बहुत लोग रहेंगे, उसके बाद उनको क्या खाना है खाने तो बताने के लिए भी लोग रहेंगे, तो यंगस्टर को सिर्फ यहाँ पे आना है, बाकी सब काम तो करेंगे।